हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस भी पूछ चुका है और जेई मेन भी पूछ चुका है। याद करिए, एक ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में था इस तरीके से कि एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे जिसको मिनिमम फोर्स P1 खींचा जा सकता है ऊपर की ओर, और नहीं रोका जा सकता है, और मैक्सिमम P2 से रोका जा सकता है। तो दोनों का रेशियो अगर 2 है तो म्यू की वैल्यू बताइए। और ये फ्रिक्शन में कॉपी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो आप फ्रिक्शन में भी पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, तो कॉपी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली डील करते हैं। मिनिमम फोर्स इसको रेस्ट में रखने के लिए, तो अगर कम से कम फोर्स से खींचने की कोशिश करोगे ना, कम से कम फोर्स से, तो नीचे से रखना चाहेगा, और जब नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। अब मिनिमम फोर्स के केस में ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी। तो एबिट बनाएंगे, नेट फोर्स जीरो करेंगे। सही, ये फोर्स 3 न्यूटन है, और एक फोर्स और लिखेंगे एम जी साइन थीटा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एंड फोर्स बैलेंस करेंगे तो कैसे आएगा, पी प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू, म्यू इज 0.6, एम की वैल्यू 10, जी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस फोर्स इज 3 प्लस एम इज 10, जी साइन 45 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे पी की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेट 32, तो आंसर इज 32 मार्क करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 अगर आप सही देखिए तो 2 दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से कि P वर्सेस V का ग्राफ है ऐसा, ये A B C है और ये D है। कह रहा है A B C तक जाने का टोटल हीट गिवन 60 है और वर्क डन 30 है, तो बताइए ए डी सी प्रोसेस में अगर वर्क डन 10 है तो हीट गिवन कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ का, इस रास्ते पर आएंगे। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, हीट गिवन इज 60 एंड वर्क डन इज 30 प्लस यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल यूसी माइनस यूए, तो इससे यूसी माइनस यूए की वैल्यू आ गई 30। अब यही क्वेश्चन इस पर लगाएंगे, तो हीट गिवन डेल्टा क्यू इज इस प्रोसेस का वर्क डन, क्वेश्चन दिया गया 10 के बराबर एंड प्लस यूसी माइनस यूए, तो यूसी माइनस यूए 30 है, जोड़ देंगे आंसर इज 40, तो मार्क करेंगे आंसर आ जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, और 2 दिन पहले ही तो स्टूडेंट मुझसे पूछा था। इसके बाद 20 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। ओके।